कैमूर जिले के दुर्गावती रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के पास से पुलिस ने नौकरी के नाम पर रुपए ऐंठने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह में शामिल 12 लोगों के पास से पुलिस ने दो लग्जरी गाड़ी, फर्जी आईडी कार्ड, रेलवे का फर्जी मुहर और फर्जी बहाली का दस्तावेज सहित दर्जनों आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि यूपी के सैकड़ों लड़कों को 6 लाख रुपए में रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी दिलाने के लिए झांसा देकर इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान करा लिया गया था। बाकी का भुगतान करने के लिए इन लोगों ने सभी युवकों को बुलाया गया था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस गिरोह में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2-3 ऐसे भी लोग हैं जो अपना पत्रकार का कार्ड भी बनाए हैं, जो फर्जी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है ये फर्जी पत्रकार, कुछ वैध है या और सब भी जो भी है सबके बारे में सर आम जनता के लिए क्या आपका संदेश होगा? मैंने इस तरह के मामले में कम से कम विभाग से, रेलवे विभाग से जो स्टेशन प्रबंधक है, रेलवे के जो CRM है, उनसे जरूर सत्यापन कर ले कैंडिडेट कि ये मामला जो ये फॉर्म है ये सही है या गलत है। किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें कि पूर्व में भी कई बार रेलवे के नाम पर इस तरह का फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया। कम से कम विभाग से सत्यापन कर लेने पर लड़कों को या बच्चों को सही जानकारी मिल जाएगी कि ये फर्जीवाड़ा है या सही है। वेबसाइट पर भरोसा नहीं करना है, कई फर्जी वेबसाइट डाउनलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब पर और इसको दिखा करके बच्चे ठगी का शिकार हो रहे हैं। कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क फैला हुआ था? इसमें जो लड़के कैंडिडेट हैं अधिकांश लड़के यूपी के हैं, एक कुछ लड़के मधुबनी के हैं, जो मतलब लोकल एक भी लड़के नहीं है। ऐसे जगह इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर कि लोकल से संपर्क नहीं रहे, बाहर के लोग रहे, पता भी नहीं चले उनको कि क्या हो रहा है। बता दें कि रेलवे की फर्जी वेबसाइट बनाकर ये लोग वसूली का काम किया करते थे। पकड़े गए लोगों में 2 फर्जी डॉक्टर और 2 फर्जी पत्रकार सहित कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल छात्र छात्राओं के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। पंजाब के CTV के लिए कैमूर से अजीत की रिपोर्ट।